अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज तबीयत नासाज होने की वजह से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरी, बल्कि मैं आपको आज मौसम की तब्दीली के हवाले से बताऊँगी कि हमारे पास जो ये मौसम है ये चेंज हो रहा है। आप लोग जानते हैं व्यूअर्स कि गर्मी हमारे पास जो है वो ख़त्म हो रही है और जो है वो ठंड का मौसम हमारे दरमियान जो है वो आ रहा है। तो मौसम चेंज होने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं, जैसे कि फीवर, फ्लू वगैरह। तो ये है कि ये बीमारियाँ हमारे नुकसानदेह, ज़ाहिर है मौसम चेंज होता है, हम अपनी रूटीन तो वही रखते हैं खाने पीने की, जो है वो ठंडा और आइस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसी वजह से हमारे जो है वो हमें बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। तो यही हाल व्यूअर्स मेरा भी है। मैं थोड़ी सी जो है मुझे फीवर कह लें आप, फीवर हुआ हुआ है, फ्लू हुआ हुआ है, क्योंकि मौसम के चेंजेस है तो मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा। और जो है वो बीमार होने की वजह से मुझे स्टडी का टाइम नहीं मिला अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो अपलोड करने का कल, तो सोचा कि फिर अपने व्यूअर्स से जो है वो वैसे ही बात कर ली जाए। तो जो जो जहाँ रहते हैं और जो मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि वहाँ का एटमोसफियर कैसा है, वहाँ का जो मौसम है वो कैसा है, वहाँ पर जो है वो सर्दी स्टार्ट हो गई या नहीं। इस टाइम पाकिस्तान के शहर कराची में हमारे पास मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन अभी ठंड स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, जैसे नज़ला, खांसी, बुखार, ये चीज़ हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाती है मौसम चेंज होने पे। हम बेएहतियाती करते हैं और जो है वो कोई भी मतलब परहेज़ नहीं रखते, खाते पीते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लू, फीवर वग़ैरह जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे अपने इस फीवर की वजह से और फ्लू की वजह से जो है वो अपने एक्सप्लेनेशन वगैरह का स्टडी करने का टाइम नहीं मिला और ना ही एक्सप्लेनेशन का। और कल टोटली मैं जो है वो बेड रेस्ट पे थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज सुबह सोचा अर्लिंदा मॉर्निंग के अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ी सी वीडियो बना के अपलोड करूँ। तो व्यूअर्स, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जिन्हें मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी मेरी न्यू वीडियोस हैं वो मेरे व्यूअर्स को बआसानी मिल सकें। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।